पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में झारखंड पिछड़ी मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया महासम्मेलन। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में प्रत्याशी देने का किया घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में आज झारखंड पिछड़ी मोर्चा द्वारा महासम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मौके पर महासम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड पिछड़ी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जय जगन्नाथ प्रधान ने कहा कि अब झारखंड पिछड़ी मोर्चा द्वारा भी चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी देगा और दमयंती नाग प्रत्याशी होंगी। झारखंड पिछड़ी मोर्चा की चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी दमयंती नाग और झारखंड पिछड़ी मोर्चा के नेता आदिकाश शाशणंगी ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में लोगों के मनोरंजन के लिए झूमर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अब आइए देखते हैं जय जगन्नाथ प्रधान, केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड पिछड़ी मोर्चा, दमयंती नाग चक्रधरपुर विधानसभा प्रत्याशी और आदिकांत शाणंगी झारखंड पिछड़ी मोर्चा के नेता ने क्या कहा। के लिए मैं घर महिलाओं और उनके सामने हर उपलब्ध कोशिश करूंगी घर घर पहुंचाने के लिए। और मेरे जो पति देव थे वो भी एक समाज सेवा थे, उनके प्रेरणा से मुझे इस प्रेरणा मिली है। और वे समाज जन प्रतिनिधि थे, सारा समय जनता के सेवा में गुजारे हैं और उनका से उनकी प्रेरणा से मुझे आपके सामने मैं खड़ी हो रही हूँ। झारखंड पिछड़ी मोर्चा से, झारखंड पिछड़ी मोर्चा की मैंने नीति सिद्धांत को मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे मैं उस पार्टी से मैं इस सिद्धांत को और झारखंड पिछड़ी मोर्चा सिद्धांत है राज्य के हर गरीब लोगों के हर गरीब लोगों को ऊंचा शिक्षा, ऊंचा रोजगार, ऊंचा स्वास्थ्य को लाने में मैं सबका साथ दूंगी। आप लोग मुझे साथ दीजिए, इन संघर्षों के साथ मैं आपको ज्यादा भाषण देने तो नहीं जानती हूँ, लेकिन पहली मेरा भाषण देने का पहली स्टेज में आई हूँ। जितना जानती हूँ उतना बोल रही हूँ, मुझे कुछ गलती होगी क्षमा कीजिएगा। और इस मंच में हमको जगन्नाथ चुनाव में जाना है, इस बार हम लोग गणपति नाथ को पिछड़ी मोर्चा के बैनर तले खड़ा करने जा रहे हैं और हम अभी भी विश्वास करते हैं कि हम लोग इस बार इसको जिता कर ही रहेंगे। जितना ताकत लगाना है विपक्ष वाला लगा ले और इस बार गणपति नाथ पिछड़ी मोर्चा से जीत के ही रहे। इसलिए आप सभी का मुझको सहयोग का जरूरत है और आप लोग सहयोग देंगे तो मैं सबको ये आशा देता हूँ और सबको ये भरोसा देता हूँ इसको जिता कर ही बनूंगा। ये सभी से मैं सब विपक्षी पार्टी को मैं चुनौती देता हूँ कि लोग इस बार चुनाव में हमें हल्के में मिले। इस बार सभी भी जितने विपक्षी पार्टी है इस चुनाव में हमको हम लोग को हल्के में मत ले। तैयारी में सब कोई लगे रहेंगे और हम लोग भी लगेंगे। इस बार धूल का धूल और पानी का पानी पिला देंगे। इसलिए आप सभी से अनुग्रह है कि आप लोग हमें मदद कीजिए गणपति नाथ को जिताने के लिए। बस मैं जगन्नाथ जी का मैं आभारी प्रकट करूंगा, इन्होंने मुझे इस मंच के लिए इस मंच पर खड़ा करने के लिए वो उसको अवसर दिए हैं, क्योंकि मुझे सही अवसर, सही जगह, सही स्थान नहीं मिल पा रहा था जहां मैं अपने शक्ति और अपना विचार को प्रकट कर सकूं। मगर जगन्नाथ प्रधान के बैनर के तले उनका विचार, उनके जनता के प्रति जो भाव है, सेवा का भाव, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और इसीलिए गणपति नाथ को आगे करके मैं इस विधानसभा चुनाव में जीत तय करने के लिए वादा करता हूँ। इसीलिए आप सभी जनता लोग से मेरा अनुरोध है इस बार हमें मौका दीजिए एक बार। मैं इसलिए अपने कथा को विराम देता हूँ क्योंकि मुझे भाषण देना नहीं आता, तो सच्चाई में मैं बता दे रहा हूँ, मैं काम करने वाला आदमी हूँ। भाषण वाला नेता लोग का काम है, भाषण देता है, भाषण ही काम करके दिखाएंगे। इस मंच पर ये ऐलान कर रहे हैं कि नेतागिरी हम लोग से होगा नहीं। हाँ, हम लोग सेवादार है और आप लोग का सेवा करेंगे। इसलिए मैं अपने बात को ही विराम देता हूँ और जगन्नाथ जी का बहुत पूर्ण आभार प्रकट करता हूँ जो मुझे इस मंच के बैनर पर खड़ा होने के लिए मौका दिया। झारखंड पिछड़ी मोर्चा बहुत अरसे से पंचायत चुनाव से भागीदारी निभाते आ रहे हैं। अगाध विश्वास जनता
हमारे पिछले मोर्चा पे श्रद्धा रखती है, किंतु उस तरफ पंचायत चुनाव में इसे लाभान्वित नहीं हो पाता है जनता। तो इस मौके में अपील करना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव में एक मौका दे तो हट का काम होगा। हम लोग सेवादार है, सेवा करेंगे, ठेकेदार है, ठेकेदार नहीं करेंगे हम लोग। और गरीब पिछड़े दलित असहाय सम्मान अधिकारी विकास के लिए हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं और यही संदेश जानते कि जो भी पिछड़े वर्ग के हैं सभी समाज के, उनकी उत्थान के लिए हम लोग सोचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित। तो हर चुनाव में देखा जाता है जनता चुनती है लेकिन बाद में ठगा महसूस करता है, तो हम लोग भी कभी कभी कार्यकर्ता सक्रिय के रूप में करते हैं, किसी न किसी दल से हम लोग समर्थन किए हैं लेकिन वैसी लाभान्वित जनता को नहीं दे पाते हैं। तो मायूस होकर हम लोग कुछ करने के बिना उठाइए, अगर जनता हमारी साथ दे तो विधानसभा चुनाव जीत कर हम लोग गरीबों का सेवा करेंगे, बिचौलिया और पूंजीपति के सेवा में हम लोग नहीं है, उस पक्ष में नहीं है। इसीलिए झारखंड पिछड़ी मोर्चा पिछड़ों के हित के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं।